आज ईद हुई है और एक ईद हुई है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के जो है सारे लोग खुश हैं आज। और हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर आते हैं, ख़ास मौके पर ईद में आते हैं, ईद मिलने आते हैं। पैगाम यही दिया है कि हम बिहार के अंदर अमन चाहते हैं और मेल जूल चाहते हैं, हम लोग एक हैं, सब लोगों को एक हो करके रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और ईद की मुबारकबाद देने CM नीतीश इमारत शरिया पहुंचे। इमारत शरिया में उनका टोपी पहनाकर इस्तकबाल किया गया। क्या है पूरी खबर एक बार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को ईद की मुबारकबाद देने के लिए फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां CM का इमारत शरिया एवं खानकाह मुजीबिया में इस्तकबाल किया गया। CM ने सभी के बीच भाईचारे को कायम रखने का संदेश दिया और उसी के साथ साथ ईद उल फितर 2024 की मुबारकबाद देने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सटे फुलवारी शरीफ स्थित बिहार झारखंड व उड़ीसा के मुसलमानों की सबसे बड़ी अदारा इमारत शरिया एवं प्रसिद्ध खानकाह मुजीबिया पहुंचे और ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के बाद 11:06 पर CM का काफिला खानकाह मुजीबिया पहुंचा। खानकाह में CM नीतीश कुमार का इस्तकबाल खानकाह के प्रबंधक हजरत मौलाना मिनहाजुद्दीन मुजीबी कादरी ने यहां CM नीतीश कुमार का इस्तकबाल टोपी पहनाकर और गले लगाकर किया। इसके बाद CM खानकाह मुजीबिया के गद्दीनशी पीर हजरत मौलाना सैयद शाह अयातुल्लाह कादरी के हजरे में गए और उसी के साथ साथ ईद की मुबारकबाद पेश की। पीर साहब ने मुख्यमंत्री को ईद की मीठी सेवियां भी खिलाई। करीब 10 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खानकाह मुजीबिया में रहे। इसके बाद खानकाह मुजीबिया से मुख्यमंत्री का काफिला 11:26 पर इमारत शरिया पहुंचा। अब ऐसे में मौलाना सैयद शाह क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनो। आज ईद का दिन है और आज मोहब्बत बांटने का दिन है सबों के नज़दीक। आज ईद हुई है और एक ईद हुई है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के जो है सारे लोग खुश हैं आज। और हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर आते हैं, ख़ास मौके पर ईद में आते हैं, ईद मिलने आते हैं। और भी कई जगह वो बिहार में जाते हैं, पटने में जाते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। हर जगह जो है ईद मुबारक वो कहते हैं, यहाँ भी वही कहने के लिए आए थे। हम लोग बहुत खुश हैं उनसे। क्या पैगाम दिए उन्होंने, क्या बात हुई? उन्होंने पैगाम यही दिया है कि हम बिहार के अंदर अमन चाहते हैं और मेल जूल चाहते हैं, हम लोग एक हैं, सब लोगों को एक हो करके रहना है, समझ गए ने। और बिहार की तरक्की में जो है सब लोगों को मिल करके जो है आगे बढ़ाना है बिहार। तो सुना आपने, मौलाना सैयद शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बराबर आते रहते हैं और लगातार अमन चैन की पैगाम देते रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।